बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज बात करेंगे लेक्सस का है ना, वो एक्सेलेरेटर 3 के ऊपर नहीं जाता है। आपको दिखाता हूँ इसका एक्सेलेरेटर ना 3 के ऊपर काम नहीं करता। 3 के ऊपर ये इसका चेक करेंगे। पहले फॉल कोड चेक करके आपको बताता हूँ कौन सा कोड आता है। इसका कोड आ रहा है P2121। टोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच डी सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। और दूसरा आ रहा है P2122। टोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच डी सर्किट लो इनपुट। ये बाकी इसका एयरबैग का आ रहा है, ये हिस्ट्री में है, ये क्लियर करेंगे ना चला जाएगा। ये पैडल का ही देखते हैं, इसको ऑल डाटा पे चेक करता हूँ। 2015 मॉडल है लेक्सस। ये लेक्सस टोयोटा है ना, दोनों सेम सेम ही आते हैं। 350 है, PS350। 6 सिलेंडर गाड़ी है। इसका पहले ट्रैवल कोड चेक करता हूँ। वो फर्स्ट वाला कोड है ना P2121 करके। पहले फर्स्ट वाला कोड चेक करता हूँ, वो क्या बता रहे हैं। इसका आ गया कोड सेम सेम। टावल एरिया में बता रहा है एक्सेलेरेटर पैडल सेंसर असेंबली या ECM। और दूसरा कोड भी चेक कर लेता हूँ, वो क्या बोल रहा है। ये ऑल डाटा रहने से ना वो क्या A to Z मालूम पड़ता है, क्या क्या चेक करने बोलेगा वो हिसाब से चेक करेंगे। टोटल पैडल पोजीशन सेंसर ही आ रहा है इसमें, सेंसर डी सर्किट लो डी सर्किट हाई, क्या बोल रहा है। ये इसका डायग्राम आया है, ये अपना सेंसर 1 है IC नंबर 1 करके। ये सेंसर 1 हो गया, ये इसका 3 वायर ये अलग हो गया सेंसर 1 का। और ये नीचे में है सेंसर 2, IC नंबर 2 हो गया सेंसर 2, इसका 3 वायर है। एक सेंसर का 3 वायर और दूसरा सेंसर का 3 वायर, टोटल 6 वायर है। ये VCP2 करके है, ये 5 वोल्ट है, और VCPA करके ये भी 5 वोल्टेज है। और बाकी ये दोनों है ना तो आपस में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो चेक करने पे अर्थ ही आता है, वो अर्थ ही आएगा, क्योंकि एक में तो ये ग्राउंड होएगा, एक में आउटपुट ये होगा सिग्नल होएगा। और ये एक्सेलेरेटर पैडल का डायग्राम दिया हुआ है ना, ये दोनों 5 वोल्टेज है, तो एक नंबर पे बता रहा है लेजेंड ना, तो जैसे आप एक्सेलेरेटर छोड़ोगे ना तो सही इसका वोल्टेज आउटपुट में बढ़ता चला जाएगा, और जैसे आप डिस्प्लेस करोगे तो वो लो होते जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ना, पूरा डायग्राम दिया हुआ है। जैसे आप रिलीज करोगे तो 3.988, 4.55 ऐसे वो बढ़ते जाएगा। ये इसका डायग्राम मतलब बताया है ऐसे ही, और आपको बताता हूँ ये सब दिया हुआ है, इसको पढ़ के कैसे काम करना है, कैसे चेक करना है वो सब बताए। इसका देख सकते हैं P2123 में, 2125 में, ये सब का क्या क्या, ये सब कोड आने पे क्या क्या चेक करना है वो बताते हैं। और ओपन इन VCP सर्किट, VPA सर्किट, ये मतलब वो पूरा वो दिया हुआ ना कि इसको आप वायर चेक कर सकते हैं कितना आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा, वो सब इसका डायग्राम बताए। इतना अपन चेक करेगा नहीं, ठीक है ना। उसको बता रखा है कि ये सब आने पे कौन कौन कोड आएगा नहीं आएगा, वो पूरा डिटेल्स में बता रखा है। और ये बताया हुआ है प्रेस करने पे उसका सेंसर का अंदर का लोकेशन कैसे काम करता है। ये एक्सेलेरेटर पैडल और ECM का है ना, वो वायर का डायग्राम दिया हुआ है। एक नंबर वायर है ECM में जो जा रहा है 59 में जा रहा है, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ना इधर 54, 55, 56, 57, 58, 59 करके पूरा वायर है। और ये इसका सेम दिया हुआ है फीसर, इसका वायरिंग का है ना,
एक नंबर देख रहे हैं इसमें 5 वोल्ट आएगा और दूसरा है इसमें ग्राउंड आएगा, तीसरा में आउटपुट है। ऐसे आप चेक करोगे तो तीसरा में भी वो ग्राउंड ही आएगा, फिर चौथा में 5 वोल्टेज है, फिर ग्राउंड है, फिर आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें 4.5 से लेके 5.5 वोल्टेज आना चाहिए। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं कौन सा कलर है, वो भी आपको पूरा डायग्राम बताता हूँ, फोन में कितना आएगा वो सब पूरा चेक करके आपको बताता हूँ। यस जैसे ये इसका डायग्राम आ गया, ये इसका एसीएम का ना पूरा डायग्राम है, इसका एसीएम का एक एक वायर किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, ए टू जेड इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। अभी आपको एक्सीलेटर, सिर्फ एक्सीलेटर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। एक्सीलेटर का कौन सा कलर वायर है, कौन वायर किधर जाएगा, एक नंबर में कौन है, ये आपको बताता हूँ। इसको जूम कर लेता हूँ, ये एक्सीलेटर पैडल का देख सकते हैं, एक को दिखता है, इसको और जूम करता हूँ। एक जैसे एक्सीलेटर पैडल सेंसर असेंबली है, देख सकते हैं एक नंबर में ब्लू है, दो में ऑरेंज है, तीन में रेड है, चार में पिंक है, पांच में येलो है और छह में ग्रीन है, ठीक है ना। एक नंबर और चार नंबर में 5 वोल्टेज आएगा। मैं आपको डायग्राम देता हूँ, इधर इधर डायग्राम दे दिया हूँ, ऐसे आप चेक करोगे ना तो तीन में भी ग्राउंड ही आएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ना, एक नंबर एक में ब्लू है, दो में ऑरेंज, तीन में रेड, लास्ट में ग्रीन है। वायर जैसा है वो सेम सेम वायर है, यही फिर से इसको आपको पहले 5 वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। इसको ये एक नंबर वायर में लगाया हूँ, देख सकते 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब चार नंबर में आपको चेक कराता हूँ, चार में भी 5 वोल्टेज आना चाहिए, 4.5 से लेकर 5.5 वोल्टेज आना चाहिए, इसमें 5.2 आ रहा है, मतलब अपना 5 वोल्टेज वाला क्लियर हो गया। दोनों 5 वोल्ट आना चाहिए, दोनों क्लियर हो गया। उसमें ग्राउंड आना चाहिए दो नंबर में, एक में 5 और दो में ग्राउंड, देख सकते हैं 5.2 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि अपना वायरिंग क्लियर है। और तीसरा नंबर पे है तो उसमें भी ग्राउंड ही आएगा, क्योंकि एसीएम में वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, तो ग्राउंड ही शो करेगा वो, क्योंकि आउटपुट सिग्नल है। और आपको ये इसका 5 नंबर का ग्राउंड चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 5 नंबर हो गया और 6 नंबर है, 6 नंबर इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये इसका एक्सीलेटर पैडल दूसरा लगाएंगे, क्योंकि वायरिंग अपना बराबर है, वायरिंग में कोई मुश्किल है नहीं, तो इसका एक्सीलेटर पैडल दूसरा लगा के देखते हैं फिर कि इसका कोड है ना, क्लियर करेंगे फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये इसका पूरा पुराना वाला है, नया वाला मैंने लगा दिया है, इसमें क्लियर किया हूँ, अभी कोड नहीं आ रहा है। इसका एक्सीलेटर भी देख रहे हैं, देख रहे बराबर अभी काम कर रहा है, 5 तक गया है अभी। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। अभी एकदम बराबर है गाड़ी, आप देख सकते हैं एक्सीलेटर इसका अच्छा काम कर रहा है। अभी गाड़ी बिल्कुल ओके, पहले क्या था ना इसका एक्सीलेटर काम नहीं करता था, अभी देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह एकदम मस्त भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका फिर से रीड कोड कर लेता हूँ, नो ट्रबल कोड बराबर है, एक्सीलेटर भी आप देख सकते हैं बराबर काम कर रहा है। ये इसका एक्सीलेटर पैडल ही ख़राब था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।